कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत पीटर कैनेसियस का पर्व मनाती है। उनका जन्म 8 मई 1521 में हुआ था। उनके पिताजी एक मेयर थे और बचपन से ही उन्होंने अपने आप को और अपने कार्यों को प्रभु के लिए और लोगों के लिए समर्पित किया था। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन किया। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। 3 वर्ष बाद उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस में दाखिला लिया और प्रभु के कार्यों को करने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया कि वे प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। 1546 ईस्वी में 25 वर्ष की उम्र में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। 26 वर्ष की उम्र में उन्हें इस शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने संत इग्नासियस के साथ कुछ समय बिताया। 1549 में उन्होंने अपनी संस्था के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहा और उन्हें वियना भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने इस शास्त्र की शिक्षा दी और प्रभु के वचनों को लोगों तक फैलाया और गिरजाघरों में जा जाकर प्रभु के वचनों को लोगों तक बांटा। उन्होंने जी जान से कलीसिया की शिक्षा को समेट कर रखा और कलीसिया में एक नई जागृति वे लेकर आए। जब वे वियना के धर्माध्यक्ष बने, तब 20 वर्षों तक वहां से कोई भी पुरोहित नहीं आया था। अब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला एवं प्रभु के वचनों को उनकी कलीसिया को वहाँ पर रहने वाले लोगों को सुनाया और उनका मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करने का निर्णय किया। संत पीटर कई मुख्य लोगों के सलाहकार भी रहे, जैसे कि संत पिता के, कई धर्माध्यक्षों के, यहाँ तक कि वे रानी के भी सलाहकार रहे। जर्मनी ने उन्हें दूसरा प्रेरित की उपाधि दी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपाधि है। संत पीटर 30 विद्यालयों एवं पेपल सेमिनरीज के भी संस्थापक रहे। उन्होंने बच्चों, बूढ़ों, युवाओं एवं महिलाओं के लिए धर्म शिक्षा का प्रारंभ किया, जिससे भी वे बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। संत पीटर कैनेसियस की मृत्यु 21 दिसंबर 1597 में हुई थी। उन्हें संत 1925 में घोषित किया गया। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी सेवा भाव का हो और लोगों की सेवा में हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। Thank you.